हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लूसेंट जीके वाला पोर्शन, जिसमें हम सबसे पहले संविधान को पढ़ने वाले हैं। तो संविधान के पहले ही चैप्टर से चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, और इस वीडियो को सभी तक पहुंचाना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये जो आपकी लूसेंट वाली बुक है आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस क्लास को सभी तक शेयर करना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था, ऑप्शन डी सही होगा, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी सही होगा। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः, यद्यपि अकेले नहीं, खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? ऑप्शन बी सही होगा, लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। ऑप्शन बी लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में, ऑप्शन ए सही होगा। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, जो कॉर्नवालिस वाला, महारानी विक्टोरिया को भारत की संभागी निम्नयुक्त किया गया 1858, इसका सही होगा। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था, निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? ऑप्शन सही होगा, देसी रजवाड़ों की यथाशक्ति बनाए रखी जाएगी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन ए सही होगा। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन सही होगा बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? ऑप्शन बी सही होगा, प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन बी प्रांतों में दोहरा शासन। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड एमरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी इसमें शामिल नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान की स्वीकृति। आगे बढ़ते हैं, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार।
भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ऑप्शन सी सही होगा, माउंटबेटन योजना। कौन सम्मिलित नहीं है? मार्लेमिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। इसका सही आंसर होगा 18वीं का डी, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन सी सही होगा, 1945 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? सही आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था? संघीय प्रणाली, इसका सही आंसर होगा 1935। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? सही ऑप्शन होगा 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सही ऑप्शन होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? सही आंसर होगा जिसका बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थीं? गवर्नर जनरल को। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919। चलिए और आइए इसको देख लेते हैं। अगस्त घोषणा, सूची 1 तथा सूची 2 को का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहले से है इसमें, देख लीजिए केवल। अगस्त घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1919, प्रांतों में द्वैत शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रांतीय स्वायत्तता। मार्लेमिंटो सुधार 1909, सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत सरकार अधिनियम 1858। ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। अब शुरू करते हैं दूसरा, संविधान सभा। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? इसका सही आंसर होगा एमएन रॉय, ऑप्शन ए, सॉरी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर होगा एमएन रॉय। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? इसका सही आंसर होगा 1936। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? इसका सही आंसर होगा क्रिप्स योजना।
संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई? तो सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। हमेका बी। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? इसका सही आंसर होगा फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 389। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। ये सभी ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी सही होगा। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 299। 299। संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देसी रियासतों के, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? सही ऑप्शन होगा 229, ऑप्शन बी। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन बी सही होगा 1,000,000 प्रति व्यक्ति। संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से कितने, एक सेकंड लीजिएगा। संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हैदराबाद। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन ए। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, सही आंसर होगा ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, या फिर वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी भारतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान को किसने बनाया? इसका सही आंसर होगा संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन सी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? अभी हमने पढ़ा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? के एम मुंशी। 36 का सही होगा ऑप्शन डी बी एन राव। ऑप्शन डी सही होगा। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी H.H. Begg। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त की थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 13। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947। 40 का सही ऑप्शन होगा सी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सहमति और समायोजना। सही होगा सहमति और समायोजना। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे? तदर्थ समिति के अध्यक्ष ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? इसका सही आंसर होगा 52 का ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? इसका सही आंसर होगा 55 का सी 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन बी 284। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950
26 जनवरी 1950 जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी 1924 में। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तीसरी बैठक। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? 64 का ऑप्शन ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। भारत का संविधान लागू हुआ था 67 का सही होगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि? इसका सही आंसर होगा कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 15। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अम्मू स्वामीनाथन। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? 74 इसका आंसर होगा सी, प्रकार समिति के अध्यक्ष थे। चलिए इसके आगे का हम